उज्जैन महाकाल मंदिर के बाहर व्यापार करने वाले व्यापारी और रहवासियों ने काले झंडे हाथ में लेकर प्रशासन की कार्रवाई का विरोध जताया है। उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर व्यापार व्यवसाय और अपने प्रतिष्ठान चलाने वाले व्यापारियों ने काले झंडे हाथ में लेकर नारेबाजी कर विरोध दर्ज कराया है। इन व्यापारियों का कहना है कि हमारी दुकान है, हमारे मकान और हमारे मकानों को अगर तोड़ दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे और किस प्रकार से अपना जीवन गुजर बसर करेंगे। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अरे शिंदे जी का है, ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये सामाजिक आंदोलन है। इसमें सभी लोगों के रहवासियों के मकान जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी का यहाँ के जवाबदार लोगों से पूछताछ करके सहमति लेके उनको मौजा देके कार्य करें, ताकि ऐसा कोई कार्य करने का इससे असुविधा हो जनता को, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के रहवासियों को। करीब कितने व्यापारी परेशान हो सकते हैं और क्या समस्या है इनके सामने खड़े हो जाएंगे? 4 से 5 हज़ार लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे और कई मकान जो सालों से ससुराल से रह रहे हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। उनके मकान निवासी जो नियमित दर्शनार्थी भी हैं वो जा नहीं पाएंगे मंदिर। वैसे बताइए किस प्रकार से व्यापारी और आप लोगों को समस्याएँ होंगी और किस प्रकार से क्या होना चाहिए? श्री महाकाल व्यापारी निवासी संघ, होटल व्यवसायी, रेस्टोरेंट व्यवसायी, अन्य व्यापारीगण यहाँ इस विस्तारीकरण योजना का जो बनाई है, विस्तारीकरण योजना 100 मीटर हो, वो 70 मीटर हो, 1 मीटर हो, उसका जोर विरोध करता है, पूर्ण जोर विरोध करता है और शासन से मांग करता है, निवेदन करता है। इस पर फिर विचार करें और उसके बाद इस पर अमल, योजना को अमल करें चाहिए। सरकारों का यही निवेदन है कि कुल मिला के ग्राउंड फ्लोर पर उतरे, पूरा अतिक्रमण मुक्त करें। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अतिक्रमण मुक्त किया जाए, अतिक्रमण मुक्त करो। उसके बाद आप देखो व्यवस्था कि रोड कितने चौड़े हैं, रोड कितने चौड़े हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है तो जनहित में पब्लिक को साथ में लेके, व्यापारियों को साथ में लेके बातचीत किया जाए, उनको भरोसे में लेके काम किया जाए, उसके बाद कुछ सोचा जाए तो बात अलग है। पर आप डायरेक्ट करके अभी शासन प्रशासन के साथ आप लोग बैठक नहीं हुई क्या? अभी बैठक वगैरह नहीं हुई क्या? 2 महीने का लॉकडाउन पीरियड में व्यापारी बहुत परेशान है, करोड़ों रुपए का लोन है, लोग चुकता नहीं कर पा रहा और ऐसे में ये मार और ऊपर से बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।